हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का टाइटल देख कर के आप समझ गए होंगे कि मैं आपको घर पर एसी की क्लीनिंग मतलब सर्विसिंग कैसे करना है वो इन डिटेल बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसका जो एसी का कवर होता है आगे वाला, वो हम लोग निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद अंदर का जो एसी का पूरा पार्ट है वो हम लोग उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब से हम लोग इस घर में आए हैं इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, तो ये बहुत हार्ड हो गया है, मतलब जम गया है अंदर। और हम लोग दोनों लोग मिल करके इसको निकालने का ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किलों के साथ ये बाहर आया है। बट हम लोगों ने इसको बाहर निकाल लिया और पहले ऊपर से पोंछ लिया था, जिससे कि जितनी डस्ट और धूल थी वो सब हट गई है। अब इसे खींच करके हम लोग पहले इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ध्यान से आपको अपना एसी नीचे उतार करके रख लेना है केयरफुली, क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है, तो थोड़ा आपको केयरफुल काम करना होगा। और उतारने के बाद आपको जहाँ पर अपना एसी रखना हो रख लीजिए। हम लोग के पास जगह की थोड़ी सी कमी थी बाथरूम तक ले जाने को एसी के लिए, तो अभी हम लोग यहाँ पर अपने रूम पर ही रख करके यहाँ पर इसको क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने एसी पे धूल जितनी है वो पंप के थ्रू हमें हटानी होती है। तो हमारे पास पंप नहीं है, तो आप देख सकते हैं हम लोग पिचकारी के थ्रू कर रहे हैं। ये बहुत एक अच्छा अल्टरनेट तरीका है। अगर आपके पास पंप नहीं है तो आप पिचकारी से इस तरह से हवा मारते हुए धूल को डस्ट को उड़ा सकते हैं। उसके बाद हमें एक रगड़ने के लिए ब्रश चाहिए है, जो कि हम ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से इसको रगड़ेंगे, वरना जो इसमें इस जो बने हुए हैं धारियां वो टूट भी सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कितने हल्के हाथों से हमें इस तरह से सारी धूल गर्दे को नीचे गिराना है। और काफ़ी सारी धूल निकली थी, अभी आप देखिएगा जब क्लीन हो जाएगा। तो देखिए, अब ये कुछ हद तक साफ़ हो चुका है। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, और आपका अगर एसी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, गंदगी है और आपको साफ़ करना है, तो आप इस वीडियो को देख करके अपने एसी को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ब्रश से इस तरह से आप धूल हटाते जाइए, और फिर वही पंप वाले से आपको इस तरह से पंप करते हुए सारी धूल साफ़ कर देना है। तो हम लोग ने भी इसमें थोड़ा सा पानी भी भरा है और स्प्रे के थ्रू उसको हम लोग साफ़ कर रहे हैं। और काफ़ी हल्के हाथों से आपको करना है, वरना अगर ये टूट जाएगी तो आपकी एसी ख़राब भी हो सकती है। तो एक साइड से हमारा एसी क्लीन हो चुका है, अब हम दूसरे साइड आ जाएंगे और दूसरी तरफ भी हमें इसे खड़े खड़े हाथ से ही धूल को डस्ट नीचे गिरानी है, टेढ़ा नहीं करना है, वरना ये टूट जाएगी, जो मैंने आपको पहले बताया। और ये देखिए, पहले किसी ने किया होगा तो ये टूटा हुआ है। ये हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ये उनका ही एसी है, हम लोग क्लीन कर रहे हैं। और एसी क्लीन करते समय आप चाहें तो पहले ये जो आपको ऊपर कवर दिख रहा है वो आप ओपन कर सकते हैं। हम लोग इसको बाद में ओपन करेंगे, वरना सारा धूल डर्ट जो है वो अंदर जा सकता है, इसलिए हम उसे बाद में खोलेंगे। साइड साइड का हमारा एसी क्लीन हो चुका है, अब हम सबसे पहले इसका धूल गर्दा डस्ट जितनी आई है वो सब फिर से साफ़ करने के बाद इसको स्क्रू लगे होते हैं, तो वो पेचकस की हेल्प से हम उसको ओपन कर लेंगे। तो हमने ऊपर वाला ढक्कन खोल लिया है, ये देखिए। और अब आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा डस्ट है, अंदर से भी कितनी ज़्यादा डस्ट होती है। ये देखिए, पूरा एकदम डस्ट से भरा हुआ है। इस वजह से आपकी एसी की जो हवा है वो बहुत कम हो जाती है। और वैसे भी लॉकडाउन में किसी को बुलाना इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आप लोग अपने घर पर ही एसी क्लीन करें, सर्विस करें, वॉश करें, वही आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है। बट केयरफुली करना है, ये ध्यान रखिए। पहली बात, ये बहुत हैवी होता है। दूसरी बात, इसे क्लीन करते समय बहुत आराम से आप ध्यान से क्लीन करें, वरना अगर कुछ टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ देखिए, हम लोग पानी का स्प्रे करते जा रहे हैं और अपने ब्रश की हेल्प से इसको साफ़ करते जा रहे हैं। कुछ इसी तरह आपको भी अपने एसी को क्लीन करना है। तो आप देख सकते हैं, आगे का हीट एक्सचेंजर जो है वो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, और अब यही हम लोग पीछे वाला भी क्लीन कर रहे हैं। अंदर
अंदर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। अब हम लोग ये जो बाहर का इसका कवर था वो फिर से लगा करके उसके पेच लगा देंगे और अब हमारा एसी क्लीन हो चुका है। बस हमें इसको अब अंदर फिर से सेट करना है जहाँ से हमने निकाला था, मतलब एसी की जगह पे। और अब वायर वायर भी एक बार चेक कर लीजिए कि सब कुछ ठीक है, प्लग ठीक है। उसके बाद आपका एसी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, आपको ठंडी ठंडी हवा देने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अपना एसी सेट करने जा रहे हैं फिर से जहाँ से निकाले थे। तो एसी अंदर से पूरा क्लीन हो चुका है। अब बाहर का जो ये पैनल है इसको भी आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए किसी अच्छे सॉफ्ट कपड़े से, सोप लगा करके। इसको जितने इसके बाहर के विंग्स हैं वो सब हम लोग को क्लीन कर लेना है, वरना डस्ट आपको धूल फिर भी आती रहेगी। तो यहाँ पे क्लीन हो चुका है हमारा एसी और अब हम लोग इसको सेट कर देंगे वापस से। और ये देखिए एसी का तार लग चुका है, हमारा एसी क्लीन है, बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। तो इसी तरह आप लोग भी करिए और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।